पूर्व पत्नी रहम खान ने एक बार फिर उड़ाई इमरान खान की खिल्ली। क्या पाकिस्तान में मजाक का पात्र बन गई है इमरान खान सरकार? कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अब उनके ही देश में फजीहत होने लगी है। जब जो चाहता है जैसे चाहता है उनकी खिंचाई से नहीं चूक रहा। हाल ही में उनकी पत्नी रहम खान ने इमरान खान की पूरी सरकार को पप्पू कहा था और अब उन्होंने एक बार फिर से इमरान खान की जमकर खिल्ली उड़ाई है। दरअसल भारत को जंग की गिदर भक्की देने वाले पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को उनकी पूर्व पत्नी ने जमकर क्लास लगाई है। कश्मीरियों के समर्थन में पाकिस्तान में हर शुक्रवार को आधे घंटे के विरोध प्रदर्शन की इमरान की अपील पर तीखा हमला बोलते हुए रहम खान ने कहा कि एक हफ्ते में ही उनकी हेकड़ी निकल गई। उन्होंने कहा कि वो जिन्हें कश्मीरियों का साथ देने के लिए हर जुमे पर 30 मिनट खड़ा होना था उनकी हिम्मत एक हफ्ते में ही जवाब दे गई। शायद सिलेक्टेड पीएम मौसम बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रहम खान ने चंद्रयान 2 की आंशिक असफलता को लेकर इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी पर भी जमकर हमला बोला और पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री के बयान को पागलपन की इंतहा करार दिया। अपने ट्वीट में रहम खान ने लिखा, मैंने भारत चंद्रयान 2 से लैंडर विक्रम की चांद पर विफल लैंडिंग पर कमेंट करने से खुद को बहुत रोका, लेकिन पाक के मंत्री का बयान पागलपन की इंतहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी ने विक्रम की लैंडिंग विफल होने के बाद भारत के मिशन का मखौल उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि जो काम नहीं आता पंगा नहीं लेते ना डियर इंडिया। अब रहम ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया हो लेकिन उनका इशारा फवाद चौधरी की ओर ही है। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब रहम खान ने इस तरह से अपने पूर्व पति को आड़े हाथों लिया हो। इससे पहले इमरान खान को सेना के कठपुतली बताते हुए रहम खान ने कहा था कि पुलवामा हमले पर बयान से पहले पाक पीएम सेना के निर्देश का इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद एक इंटरव्यू में रहम खान ने इमरान पर कश्मीर का सौदा करने का आरोप लगाया था। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।